के 9:10 हो गए हैं एंड अभी मैं देहरादून में हूँ। और दोस्तों आज मैं एक काफ़ी फेमस प्लेस पर जाने वाला हूँ और इस प्लेस का जो नाम है दोस्तों वो है सुल्ताना डाकू का किला। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा प्लेस दिखाने वाला हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना है, लगभग 300 साल से भी ज़्यादा पुराना है और ये एक डाकू की वजह से फेमस है और इन शख्स का जो नाम था वो था सुल्ताना डाकू। तो इनके बारे में सारी हिस्ट्री भी मैं आपको बताऊंगा एंड इनका जो है एक फोर्ट है, किला है, वहाँ पर मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ। तो अभी मैं देखिए यहाँ पर हूँ और ये जो जगह है देहरादून में है और इसी जगह पर मेरा घर है। तो देहरादून से लगभग 70 किलोमीटर्स आगे आ गया हूँ और अभी जस्ट हाईवे के अपोजिट साइड में रुका हुआ हूँ एंड वहाँ पर मैंने थोड़ा कार पार्क कर दिए। तो इस फोर्ट का जो डिस्टेंस है देहरादून से वो है लगभग 110 किलोमीटर का और ये जो फोर्ट है ये पड़ता है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से सिटी में, छोटे से ज़िले में और जिस जगह का नाम बजकर 30 मिनट हो गए हैं एंड फाइनली मैं इस फेमस स्पॉट पर आ गया हूं और ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया ये है वो किला दोस्तों जिसको जाना जाता है सुल्ताना डाकू के किले के नाम से। सो अब मैं आपको दोस्तों सारी चीज़ें इस किले के बारे में समझाऊंगा और दिखाऊंगा और इस किले की हिस्ट्री आपको बताना। का मेन एंट्री गेट एंड यहाँ से जो है जो सुल्ताना डाकू थे या जो और भी उनके साथ डाकू हुआ करते थे वो एंटर होते थे अपने घोड़ों के साथ में। एंड यहाँ पर जो है देखिए ये जो आप गेट देख रहे हैं, इस गेट से आप इस किले के मेन फ्लोर पर जा सकते हैं यानी टॉप पर जा सकते हैं, बट अभी कुछ रीजंस की वजह से इस किले का जो मेन एंट्री गेट है वो क्लोज कर दिया है। तो मेन एंट्री गेट से इस तरह से दीवारें बनी हुई हैं इस पूरे किले के चारों तरफ। तो अभी मैं उस तरफ से जाऊंगा क्योंकि वहां से एक छोटा सा रास्ता है जो आपको इस किले के इन दीवारों के ऊपर लेकर चल जाएगा। इस किले के चारों तरफ जो है लगभग 15 फुट की लंबी चौड़ी दीवारें हैं एंड अभी मैं जस्ट इन दीवारों के नीचे खड़ा हूँ और इन दीवारों के अंदर इस तरह से सुरंग टाइप की बनी हुई है और इस तरह का देखिए यहाँ पर कुछ आर्किटेक्चर बनाया था जो पुराने लोग हैं। तो इस जगह को, इस किले को जो है दोस्तों पत्थरगढ़ फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और इस किले को जो बनाया था वो बनाया था जो नज़ीबाद के एक नवाब थे जिनका नाम था नजीबुद्दौला। तो उन्होंने इस किले को
पुराने ज़माने में देखिए बहुत सारे ऐसे फेमस डाकू हुए हैं, डकैत हुए हैं, जिनको शायद आप जानते होंगे। बट ये जो डाकू थे, जो सुल्ताना डाकू था, इनका नाम काफ़ी फेमस था। तो सुल्ताना डाकू जो थे उनकी हिस्ट्री दोस्तों ये है, काफ़ी सालों पहले जब अंग्रेज़ों का राज इंडिया में हुआ करता था, जो अंग्रेज़ों के हब थे वो देहरादून और मसूरी और नैनीताल में हुआ करते थे, क्योंकि दोनों सिटी, दोनों जो एरिया हैं मसूरी और नैनीताल, ये दोनों अंग्रेज़ों ने फाइंड किए थे और उन्होंने ही इन दोनों जगहों को बसाया है। जब अंग्रेज़ या उनकी पलटन्स जाया करती थी नैनीताल या फिर मसूरी, तो इन दोनों जगहों जाने का सिर्फ और सिर्फ एक यही रास्ता था जो होकर जाता था, दिल्ली से बिजनौर और बिजनौर से नज़ीराबाद एंड मसूरी या फिर नैनीताल। तो इन्हीं रास्तों से वो जाया करते थे और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो सुल्ताना डाकू थे वो अंग्रेज़ों को यहाँ पर लूट लिया करते थे, और लूटने के बाद में वो जो हैं इस किले में आकर छुप जाते थे। और ये किला इतना पुराना है, इतना स्ट्रॉन्ग किला है कि इस किले में कोई भी उनको पकड़ नहीं पाता था, क्योंकि इस किले की जो दीवारें हैं आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग 15 फुट चौड़ी हैं। और ये जो किला है ये पूरा, मुझे जहाँ तक लगता है कि 20 बीघा से भी ज़्यादा फैला हुआ है, और ये पूरा जो है देखिए चारों तरफ ही किला है। गाइस एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और मैं आपको बताता हूँ सुल्ताना डाकू के बारे में। सुल्ताना डाकू जब अंग्रेज़ों से सारी चीज़ें छीन लिया करता था, उनको लूट लिया करता था, तो इस किले के अंदर उसने जो है एक कुआं बना कर रखा था, जिस कुएं के अंदर जितना भी सोना होता था, जितनी भी चांदी होती थी, वो सब लाकर छुपा दिया करता था। तो आज भी वो कुआं इस ही किले के अंदर है, एंड अभी मैं वीडियो में आगे चलकर आपको उस कुएं को भी दिखाने वाला हूँ जिस कुएं में वो सारी चीज़ें लाकर छुप। जिस कुएं में जो सुल्ताना डाकू थे वो अपना सब लूट का माल लाकर छुपा दिया करते थे। सो अभी जो है इस कुएं की हालत कुछ ख़ास नहीं है, बट आज तक इस कुएं की मतलब गहराई नापी नहीं गई कितना एक गहरा है, और जो भी इस कुएं में मतलब सामान उन्होंने लाकर छुपाया था आज तक किसी को नहीं मिल पाया है। मैं यहीं पर एंड करूँगा, एंड मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी, एंड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है इस किले के बारे में और जो सुल्ताना डाकू थे उनके बारे में। एंड किला जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत है, बट यहाँ पर देखिए अभी जो दीवारें हैं इस किले की थोड़ी कमज़ोर हो गई हैं और वो टूट सी रही हैं। एंड जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है अगर इस किले पर थोड़ा ध्यान दे और इस किले का थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम करवा दे तो यहाँ पर टूरिस्ट भी काफ़ी आने लगेंगे, एंड काफ़ी यहाँ पर जो है आसपास के लोग भी विज़िट करना शुरू कर देंगे। तो एक अच्छी चीज़ साबित हो सकती है अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट इस पर थोड़ा सा फोकस करे।